स्वागत है। आज हम पनीर टिक्का घर में कैसे बनाना है ये देखेंगे। ये उसके साहित्य। सबसे पहले एक बाउल ले ले। ये हैंग किया हुआ दही है जो मैंने आधे घंटे के लिए कपड़े में बांधकर टांग दिया था। तो ये आधा कप दही है। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, थोड़ा सा अजवाइन आधा चम्मच ऐसे हाथों में क्रश कर कर डालें, इसको फेंट लें। ये रेसिपी के लिए थिक कर्ड चाहिए। दो चम्मच भुना हुआ बेसन, आधा चम्मच कसूरी मेथी। आप बेसन के बदले में भुने हुए चने का पाउडर भी मिक्सी में पीस कर ले सकते हैं इंस्टेंटली। एक चौथाई चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा पाउडर भी डालें जो भुना हुआ जीरा होता है वो, और एक चम्मच नींबू का रस। ये मैंने गरम कर कर रखा हुआ तेल है दो बड़े चम्मच। सभी चीजों को अच्छे से मिला लें। आधा चम्मच प्याज के क्यूब्स, आधा कप टमाटर और शिमला मिर्च के सभी के ऐसे क्यूब्स कट कर कर आप इसमें डालें और पनीर को भी ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर डालें। सभी को अच्छे से मिला लें। जो मसाला है उसको अच्छे से पनीर के टुकड़ों को वगैरह सबको अच्छे से लगा लें। अब हम एक बड़ा सा ऐसे जो बड़े स्टिक्स आते हैं उस वो लेंगे और उसको एक एक करके जो मसाला हमने लगा कर रखा हुआ है ऑनियन टोमेटो कैप्सिकम को सब चीज़ों को एक एक करके हम ऐसे डालेंगे। प्याज, ऐसे ही आप पूरे बाकी का जो भी पनीर के टुकड़े हैं वैसे ही बाकी स्टिक्स में आप डालकर ले लें। बाकी स्टिक्स में भी सेम तरीके से सब डाल लिया है। अब तवा रखें, तवे पर दो बड़ा चम्मच तेल डालें, तवे को ग्रीस कर लें और तेल को गर्म होने दें। अब हम इसे तवे के ऊपर एक एक सभी स्टिक्स रखेंगे। और धीमी आंच पर उसको हर तरफ पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे। ये 31st के लिए आप ये एज अ स्टार्टर बनाकर अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए।
और उसको थोड़ा तंदूर इफेक्ट देने के लिए आप गैस पर हल्दी थोड़ा थोड़ा फ्राई करें, स्मोकी फ्लेवर आएगा इससे। स्टोव ऑफ कर लें। ऐसे ही बाकी सभी चीजों को आपको फ्राई करना है और सर्व कर लेना है। मैंने ये ग्रीन चटनी के साथ प्लस ऑनियन रिंग्स और लेमन के साथ सर्व किया है। लेमन को स्क्वीज कर लीजिए और ग्रीन चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। ये ईयर का ये लास्ट वीडियो है,